अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैंने बनाई थी मैगी, क्योंकि मेरे बेटे का मन था बहुत ज़्यादा मैगी खाने का। तो मैगी मैं कम ही बनाती हूँ, बट मैदा की चीज़ें मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, बट मुझे आटा मैगी नहीं मिला था इस टाइम, तो फिर मैंने यिप्पी वाले मैगी मंगा लिए थे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ी हरी मिर्च और टमाटर को उसमें भून लिया था, उसके बाद में मैंने थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड की थी। और बाकी जो मैगी के पाउच आते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। और थोड़ा सा सॉल्ट भी मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी इसमें ऐड किया था। उसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें वाटर ऐड कर लिया है, और पानी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। उसके बाद में मैंने इसमें मैगी ऐड कर दी है और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे एक बार आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि सॉल्ट या स्पाइसेस वगैरह अगर आप तीखा खाते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़े से करी लीव्स भी डाले थे, और ये मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इन्हें कवर कर दूंगी। और करी लीव्स से इनका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे करी लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद है उसका फ्लेवर। तो मैं इसमें करी लीव मैंने ऐड किया था, और ये देखिए यम्मी मैगी बनकर एकदम रेडी है। इसमें मैंने डाला है देसी घी और थोड़ा सा केचप के साथ हम इसको खाएंगे। तो ये हो गया है शाम का टाइम। तो आज मैंने बनाई है टिक्की और फ्रेंच फ्राइज़। आलू टिक्की और फ्रेंच फ्राइज़ रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें कितनी यमी बनकर रेडी हुई हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये मैंने आलू को बॉईल कर लिया था और उन्हें ठंडा करने के बाद अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, बट मैंने इन्हें अच्छे से हाथों के इस्तेमाल से ही इन्हें मैश किया है। और उसके बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अरारोट, और उसके बाद में मैंने थोड़े से चावल को पीस के रखा है, और मैं उसका आटा इसमें ऐड करूँगी। चावल के आटे से टिक्की बहुत ही हल्की और क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। और ध्यान रखें हमेशा आलू की टिक्की बनाने से पहले आलू को अच्छी तरह से ठंडा कर लें, उसके बाद ही टिक्की के लिए मिक्सचर को रेडी करें। ये देखें ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनके रेडी होता है आलू को ठंडा करने के बाद। और गरम आलू के का हम जब भी मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर रेडी करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, जो कि हमें टिक्की के लिए नहीं चाहिए। और टिक्की के लिए हमें बिल्कुल इस टाइप का मिक्सचर चाहिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब मैं इसकी आप अपने अकॉर्डिंग शेप और साइज़ दे सकते हैं टिक्की को, और मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाई हैं, ना ही मैंने इनको ज़्यादा बड़ा बनाया है और ना ही ज़्यादा मैंने छोटा साइज़ इनका किया है। तो मैंने मीडियम साइज़ टिक्की का रखा है। ज़्यादा मोटा अगर हम रखते हैं तो वो अच्छे से सीख नहीं पाती हैं, अंदर से कच्चा रहने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा मैंने
पतला ही रखा है टिक्की को, ज़्यादा मोटा नहीं किया है। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी टिक्कियाँ बनाकर एक साइड पर रखते जाऊँगी और फ्राई करते जाऊँगी। एक बार बनाकर घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की बनकर ये तैयार हुई थी और बहुत ही इजी एंड सिंपल ट्रिक बताई है मैंने इनको बनाने की। और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी बनकर ये रेडी होती हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और सौंठ मैंने इनकी बनाकर रेडी कर ली थी, किसी दिन इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी सौंठ की रेसिपी भी आपके साथ और हरी चटनी की भी। तो वो मैंने दोनों रेडी करके रख लिया था पहले ही। तो आज फिलहाल मैं आपको टिक्की और फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी दे रही हूँ। ये देखें, बनकर रेडी हो गई हैं हमारी टिक्कियाँ और मैंने ये शेप दी है टिक्कियों को। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप टिक्की की शेप रख सकते हैं। और ये मैंने पैन रख दिया है गरम करने के लिए और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो आलू टिक्की को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इन्हें शैलो फ्राई ही करूंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है क्योंकि मुझे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई में नहीं कर रही हूँ टिक्कियों को। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करेंगे हम गैस के फ्लेम को, नहीं तो टिक्कियाँ जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही टिक्कियों को फ्राई करना है। तो मैं इसमें टिक्कियाँ डालते जा रही हूँ। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ये देखें इसमें कितना प्यारा कलर आ गया है। और गैस के फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, हाई नहीं किया है, तो लो मीडियम फ्लेम में ही हम इन्हें पकाएंगे। और अगर आप चाहें तो हल्के से इन्हें ऐसे प्रेस करके भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, इससे इनके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये बन जाती हैं। ये देखें आलू टिक्की हमारी रेडी हैं और बहुत ही प्यारा इनका कलर आया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, जो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आलू को जैसे चिली पोटैटो में कट करते हैं लंबा लंबा, उसी तरह से मैंने कट कर लिया है। और वो जो मैंने चावल का आटा बचा के रखा था वो इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी मैंने ऐड किया था और 2 से 3 मिनट मैंने बॉईल करके भी रखा है इन आलूओं को। और उसके बाद मैंने इसमें ये चावल का आटा डाला था और फिर मैं इन्हें भी शैलो फ्राई ही कर रही हूँ बहुत कम ऑयल में। और मेरे बेटे को फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा पसंद है विद सॉस, वो सॉस के साथ उसको फ्रेंच फ्राइज खाना ज़्यादा पसंद है, ग्रीन चटनी वगैरह के साथ वो नहीं खाता है। तो उसने फरमाइश की थी फ्रेंच फ्राइज़ की, तो मैंने उसके लिए बना दिए। और क्योंकि मैंने इन्हें फ्राई करने से पहले 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल किया था और इसलिए ये अच्छे से कुक भी हो गए हैं और फ्राई होने में आसानी से टूट जाएंगे, अब ये कच्चे नहीं रहेंगे। ये देखें, और क्योंकि टिक्कियाँ ठंडी हो रही थी तो मैंने दोनों पैन्स में रख दिया है उन्हें फ्राई करने के लिए। और ये देखें फ्राइज़ बनकर बिल्कुल रेडी हैं
और ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी हुई हुए थे, क्योंकि मैंने इनमें चावल का आटा ही ऐड किया था। और ये देखें एकदम यम्मी टिक्की बनकर रेडी हुई हैं। और इस तरह से हमें टिक्की को खाना पसंद है, चाट की तरह। और ये देखें कितनी यम्मी बनकर रेडी हुई हैं, बहुत मज़े ही की बनकर ये रेडी हुई थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और हल्का सा मैंने टिक्कियों को चम्मच से मैश करके और उसके ऊपर सौंठ डाला था, उसके ऊपर दही ऐड किया था, थोड़े से चिली फ्लेक्स, ग्रीन चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला और सॉल्ट ऐड करके, और तब ये मैंने डिश आउट किया है। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।